बेटे की चाहत में पत्नी और बेटी को किया घर से बेघर, बिहार के खगड़िया जिले के परवक्ता थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। बेटे की चाहत और मोक्ष प्राप्ति की चाहत में दो मासूम हो गए घर से बेघर। सुशील कुमार पेशे से एक सरकारी शिक्षक है, जो वर्तमान में बिहार के मोतिहार जिले के गांधी उच्च विद्यालय हरिसिद्धि में कार्यरत है, जबकि शिक्षक को दूसरा भगवान भी कहा जाता है। कलयुगी गुरु ने तो बेटे की चाहत, मोक्ष प्राप्ति और दोस्तों के बहकावे में आकर दूसरी शादी कर ली, जबकि इस गुरु को ये नहीं पता है कि आज की बेटियां किसी बेटों से कम नहीं। जबकि आज हम चांद पर बसने की बात करते हैं। सुष्मिता और सुशील की शादी 21 फरवरी 2010 को हुई थी। शादी के कुछ साल बाद बेटी को जन्म दिया। इस बात से नाखुश सुशील ने बेटी और माँ को धक्के मारकर घर से बेघर कर दिया। सुष्मिता को अपने पिता के घर में शरण लेना पड़ा। ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बावजूद भी अपने घर परिवार की इज्जत को लेकर थाने तक नहीं पहुंची। जब उसे पता चला कि सुशील ने दूसरी शादी कर ली, सुष्मिता के पैरों तले जमीन खसक गई। खगड़िया जिले के पुलिस अधीक्षक के आगे न्याय की गुहार लगाई। उनकी बेटी शिवानी से जब पूछा गया तो वो बोलती है, मेरी मम्मी और मेरे साथ पापा प्यार से बात नहीं करते, हमेशा मारपीट करते रहते हैं। ताला लगा के मेरी सास मेरे ससुर सब घर में ताला लगा के रखते थे कि वो उस मेरे रहते हुए हम अपना जिंदगी में तुमको हटा देंगे, पहली पत्नी को हटा देंगे, मार देंगे, कुछ खिला पिला के तांत्रिक सबसे पढ़वा और वहाँ के यही कहना। इस युग में तांत्रिक पर भी विश्वास होता है, अंधविश्वास की दुनिया में। हाँ, वो अंधविश्वास की दुनिया में। हकीकत में जो बेटी पैदा हुई है वो तो बेटा से समान है। इसको भी ना मारते पीटते हैं घर से बाद, ना पढ़ाते हैं, ना ट्यूशन व्यूशन कुछ न। दूसरे मेरे पति और पूरे घर वाले मेरे हमको मार के और तांत्रिक सबसे पढ़वा उड़वा के दूसरा शादी करवा दिए, उसके बाद मार पीट के घर से भगा दिए हैं। और उसका वो कहते हैं कि हमको थाना कि तुम बेटा के लिए हमको मोक्ष प्राप्ति नहीं हुआ, हमको बेटा चाहिए। आपकी कितना बाल बच्चा है? एक ठो बेटी है। क्या बेटी बेटा के समान नहीं होती है? नहीं, मेरे ससुर जी बोले, मेरी सास बोली, पूरे घर का परिवार सब बोले कि नहीं, हमको मोक्ष प्राप्ति के लिए बेटा ही चाहिए, पुत्र से ही मोक्ष प्राप्ति करेंगे। अच्छा। पापा गैस में जलाते थे। और क्या करते थे मम्मी के साथ? मारते भी थे। कब? इधर जब शादी किए थे। जब से दूसरी मम्मी से शादी? क्या नाम बाबू? शिवानी। पापा का नाम? सुशील। यस। आपको पढ़ाते हैं? नहीं। आपको माने दुलार नहीं करते हैं? नहीं। आपकी पढ़ाई उड़ाई के बारे में कुछ नहीं हुई चर्चा करते हैं वो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। मैं मर जाऊं? और साथी संगी की सलाह में हमने जो है वह गलती कर दी, मैंने दूसरी शादी यहाँ की।